अशोकनगर जिला टीकाकरण अधिकारी LDS फुकबॉल जी की पोलियो मुक्त भारत के लिए एक नई पहल सामने आई, जिसमें जिला टीकाकरण अधिकारी ने अपने हाथों से पोलियो मुक्त भारत के लिए एक गीत लिखा और उसको गाया भी, जो कि सुनने और समझने के लायक है, जिसके पोलियो मुक्त भारत के लिए सभी जगह एक संदेश जाए, क्योंकि पल्स पोलियो 19 जनवरी 2020 रविवार को पोलियो की दवा पिलाना अति आवश्यक है। तो हम जानते हैं डॉक्टर LDS फुकबॉल जी ने अपने पोलियो मुक्त भारत के लिए इस गीत के माध्यम से क्या कहा और क्या संदेश दिया। पोलियो मुक्त देश हित में आइए सुनते हैं उनका गीत और क्या कहते हैं जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर LDS फुकबॉल और उनका गीत। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर लीलाधर एस फुकबॉल, जिला टीकाकरण अधिकारी अशोकनगर। सर इस गीत के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? ये गीत मैंने 2005 में निर्मित किया था, जब पल्स पोलियो अभियान का प्रारंभ ही हुआ था और जन जागृति हेतु मैंने इस गीत को लिखा था और अपनी ही आवाज़ में इसे प्रसारित भी किया, ताकि अधिक से अधिक लोग पल्स पोलियो या पोलियो रोग के बारे में जानकारी लें और स्वप्रेरित होकर के अपने बच्चों को जो 0 से 5 वर्ष के हैं उन्हें पल्स पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं। जैसा कि इस वर्ष पल्स पोलियो रविवार 19 जनवरी 2020 को मनाया जा रहा है, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम 19, 20 और 21 जनवरी को समस्त बूथों पर 20 और 21 को घर घर जा कर के और 19 जनवरी को समस्त बूथों पे 0 से 5 वर्ष के सभी बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। मैं अपने इस संदेश में नगर के सभी अभिभावकों से अनुरोध करूँगा कि अपने 0 से 5 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, जहाँ भी हैं, उन सभी को पल्स पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं और उन्हें पोलियो मुक्त बनाए रखें। यही लक्ष्य है, यही साधना, ग्राम ग्राम में जाएंगे, 0 वर्ष से 5 वर्ष तक बच्चे सभी बुलाएंगे, पोलियो दवा पिलाएंगे। यही लक्ष्य है, यही साधना, ग्राम ग्राम में जाएंगे। स्कूल हो या स्वास्थ्य विभाग, सब जन को साथ मिलाएंगे। कहूँगा कि जिला टीकाकरण अधिकारी अशोकनगर होने के नाते अशोकनगर जिले के समस्त 0 से 5 वर्ष के बच्चे जिन्हें आगामी 19, 20 और 21 जनवरी को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जानी है, 100% बच्चों को पिलाई जाए, एक भी बच्चा इस दवा से वंचित न रखे और लकवाग्रस्त न हो। क्योंकि हम 2014 में भारत को पोलियो मुक्त भारत का प्रमाणीकरण दिला चुके हैं और 2015 में हम भारत को पोलियो मुक्त घोषित करवा चुके हैं WHO के सामने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हमें प्रमाणीकरण किया है, तो हम चाहेंगे कि भारत पोलियो मुक्त ही रहे। इसीलिए इस बार